मैं कपड़ा लेके जा रहा हूँ इसलिए रो रही है, इसको लग रहा है मैं कभी आऊंगा ही नहीं वापस। तो फाइनली दोस्तों इतने ज़्यादा दिनों और इतने ज़्यादा महीनों के इंतजार के बाद वो दिन आ गया जहाँ पर मैं फुल प्लानिंग और फुल तैयारी कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि प्लानिंग और तैयारी किस चीज़ की, जैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया मुंबई से बिहार जाने की प्लानिंग, मुंबई से बिहार जाने की तैयारी। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि जहाँ सारी दुनिया अपने आप को ट्रैवलिंग से रोक रही है, ये बंदा मुंबई से बिहार क्यों जा रहा है। तो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, पवन एक्सप्रेस ने तोड़ दिया मेरा दिल, उसमें आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चू गए थे बिहार, यानी मेरे वाइफ के मायके जनवरी में 10 जनवरी 2020। और मैंने दो बार प्लान बनाया जाने का, एक्चुअली मुझे जाने और लोगों को लेकर आना है, लेकिन मेरा दो बार प्लान फुल कैंसिल हो गया। तो पहली बार जो मैंने प्लान बनाया था वो था 20 मार्च को, जहाँ पर मेरी टिकट भी कंफर्म हो गई थी और मुझे जॉब से छुट्टी भी वगैरह सारी मिल गई थी, लेकिन हो गया लॉकडाउन शुरू जैसे आप लोगों को पता है। और फिर दूसरी बार मेरी प्लानिंग बनी 4 मई 2020, लेकिन फिर दोबारा सब कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस चक्कर में मेरा वर्क फ्रॉम होम भी कैंसिल हो गया और टिकट भी कैंसिल हो गई। तो अब जाके मेरी टिकट कंफर्म दोबारा हो गई है 31 जुलाई को, यानी कि कल आज है 30 और आप लोगों के ऑलरेडी 31 होगा या तो पास्ट होगा। तो अब जाना है भाई, कल हमें गांव ट्रेन में बैठना है और पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं निकला हूँ घर से बाहर कुछ ज़रूरी काम करवाने के लिए। मेरा जो कैमरा है उसमें कुछ इश्यू है उसके डिस्प्ले में, तो वो ठीक करवाना है। हमारा हर काम लास्ट मिनट का होता है, हमेशा से यही है साला। तो अभी देखते हैं कोई दुकान, कोई मतलब इसका जो शॉप है वो अगर खुला मिलता है तो वहाँ पर ठीक करवा लिया जाएगा। और उसके बाद भी और कुछ चीज़ें लेनी, और मैंने ऑलरेडी कुछ सामान ले लिया वो भी आप लोगों को दिखाना है। एंड ऑफ द व्लॉग तक फुल धमाल होने वाला है, फुल मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, ये तो साथ में बने रहिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी, क्योंकि इसके बाद मैं कोशिश करूँगा डेली व्लॉग करने की, क्योंकि मैं जाऊँगा गाँव, गाँव से आने तक डेली व्लॉग आएगा डेली। तो आप लोगों से जो थोड़े बहुत व्यूवर्स हैं मेरी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो व्लॉग देखते हैं इसे लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके जाना, लाइक डिसलाइक कुछ भी करो और मुझे कमेंट में कुछ भी बताओ, अच्छा लगा बुरा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए थम्स अप दो थम्स डाउन दो। तो बस अभी जाते हैं और देखते हैं जो कैमरा है उसका क्या हाल होता है, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, तो सस्पेंस है भाई, लेट्स गो फॉर बरी। हार्डली 10 मिनट रुका मैं इस गार्डन में, लेकिन इस 10 मिनट में मुझे इतने मच्छरों ने काट लिया नाक पे, अजीब हाल हो गया दुनिया का। क्या बोले साला, मास्क के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। सैनिटाइजर भी लेना है, सैनिटाइजर के लिए स्प्रे भी लेना है, ताकि हम ट्रेन में जाए तो अच्छे से अपनी बैग अपनी सीट वगैरह सारी चीज़ें सैनिटाइज करें, कहीं पर भी जाए क्योंकि हमारे पास लैपटॉप भी होगा कैमरा भी होगा, तो सारी चीज़ें एकदम सैनिटाइज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाके हम हमारे बच्चू महाराज हमारे वाइफ से भी मिलना है। और जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वो एकदम प्यारी जगह है, एकदम प्यारी, मतलब चारों तरफ खेत है और बीच में मेरे वाइफ का घर है, तो आप लोगों को देखकर बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चैनल से बने रहिएगा, अभी शुरू करते हैं हमारी जर्नी। फाइनली हम लोग आ गए वाशी प्लाजा, वाशी स्टेशन के पास, और यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे, पूरा भूल ही है ये, भूल है अंदर से, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ कहीं ना कहीं पर घूम जाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें बहुत मुश्किल से बहुत शिद्दत के साथ एक स्टोर ढूंढना होगा जहाँ पर कोई कैमरा रिपेयर वगैरह होता है। मैंने ऑनलाइन चेक करने की कोशिश की लेकिन सारे क्लोज बता रहे थे, टेम्प्रेरी क्लोज, हो सकता है कि कोई शुरू हो, नहीं होगा तो विद्युत उदास नहीं करेंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। चलो वॉचमैन को पूछते पहले, किसी दूसरे को पूछते हैं। मैं आते ही सबसे पहले कैनन का शोरूम दिख गया यहाँ पीछे ही, और हमारा भी कैनन है तो पूछते हैं। दोस्त ये रिपेयर होता है कि इधर कहाँ पर, कुछ आइडिया तो मैं यहाँ वाशी प्लाजा में करता हूँ। नहीं भाई वहाँ पर तो नहीं होता रिपेयर, और उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं है कि कहाँ पर होता है। कैमरा वगैरह सारी चीज़ें दिखा करके हो गई है। जो अंकल थे उन्होंने कहा कि फिलहाल तो ये फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर इसके अंदर का जो एक पार्ट है छोटा सा वो टूट गया, और वो अभी हमारे पास नहीं है, वो लॉकडाउन के बाद ही आएगा। तो आप लॉकडाउन के बाद आओ, अब पता नहीं लॉकडाउन कब खत्म होगा तब आओ, और उसके बाद हम ये जो पूरा सेटअप है ये पूरा नया लगा देंगे, और ये करीबन 1200-1300 का खर्चा है। तो अभी जा रहे घर, वो एक भाई वहाँ से दिख रहा था, और ये महानगर पालिका वालों ने यहाँ पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है, अब कैसे यहाँ से निकाले भाई। अब चलते हैं मेडिकल की तरफ। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना मेरे को, हालत ख़राब हो गई थी। थैंक गॉड यहाँ पीछे में एक वड़ा पाव सेंटर मिल गया, एकदम मस्त, एकदम सफाचर, एकदम फ्रेश, गरम गरम वड़ा पाव खा के इतने दिनों बाद मज़ा आ गया। ये कोरोना ने दिमाग ख़राब करके रख दिया है। आगे हो मैं अपने एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ घनसोली, और
एक लाइट का बोर्ड खरीदना था जिसमें 4-5 स्विच होते हैं, क्योंकि जब एक आम आदमी नॉन यूट्यूबर जाता है गांव तो कपड़े खरीदता है, पैंट खरीदता है, शर्ट खरीदता है, लेकिन जब एक यूट्यूबर कहीं ट्रैवलिंग पर जाता है गांव जाता है तो वो ऐसी सारी चीज़ें खरीदता है कि जिसमें वो सारी चीज़ें चार्ज कर सके, क्योंकि गांव जाऊंगा पता नहीं वहाँ पर कुछ होगा नहीं होगा, और ट्रेन में भी शायद मुझे लगेगा चार्ज करने के लिए मेरा लैपटॉप मेरा मोबाइल, ट्रेन में तो नहीं करूँगा लैपटॉप कैमरा ये सब, ट्रेन में अगर कुछ ब्लॉक करना होगा तो मोबाइल से ही करूँगा छोटा मोटा। थैंक यू, मैं सब कुछ ले लिया, अब सिर्फ बाकी रह गया फुसफुस वाला सैनिटाइजर। ये हमारी छोटी भतीजी अंजलि हमें राखी बांध रही है क्योंकि हम गांव जाने वाले हैं अभी कल, और ये पहली बार है जो मुझे राखी बांध रही है। टिकला पहला पैसे भी भरा है वाला पड़न मा जाओ पहले टिकला लाव हा वाला असं उभा करू लांब टाइम लागेल आहो शिकल हा पड़न मा तांदूळ टाक नीट टाक साखर दे आकर ग चाचू ने ग तू पण घे घेऊन जा चल ते तांदूळ टाक शितो 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 ला शितो ये तू आकर ये पहली बार है हमारी भतीजी अंजलि ने हमें राखी बांधी, और वो इसलिए बांधी क्योंकि मैं जा रहा हूँ कल गाँव, तो मैं राखी को यहाँ पर नहीं रहूंगा, इस बार मैं राखी को रहूंगा अपने ससुराल में मेरे वाइफ के मायके में, और उधर फुल धमाल होएगा। तो चलो अंजलि अभी आपको मेरे साथ ऊपर आना है, और अभी सब हम पैकिंग करेंगे, अभी ये बनेगी हमारी कैमरामैन और हम सारी चीज़ें पैक करेंगे। अभी तक कुछ बराबर से ढंग से पैक किया ही नहीं है, ढंग से क्या कुछ पैक ही नहीं किया, ढंग से कुछ आता ही नहीं आपको, कुछ पैक ही नहीं हुआ, तो अभी जाके पैकिंग स्टार्ट होगा। क्या ये ये हमारे बच्चे महाराज को क्या है तीन बोलती माला पाहिजे, ये बोल रही मुझे चाहिए भाई, ये दादा करता है दादा अपने दादा के लिए, बड़े भैया के लिए, आपको ये आपकी तरफ से बड़े भैया के लिए किन्ना के लिए, तू तुरंत तू दादा ललाड़ करती ना, ये हमारे बच्चू महाराज के लिए छोटू की तरफ से। तो फाइनली सारी चीज़ें रेडी हो गई है, बज रहे शाम के 8:15, और अभी भी पूरी तरह रेडी नहीं किया मैंने, ये एक ही बैग है सिंगल बैग जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, और कोई ज़्यादा बोझ नहीं लेके जाऊंगा, और ये सारे टी शर्ट और शर्ट्स हैं, एक शर्ट है और बाकी टी शर्ट और गंजी टाइप सारे शर्ट्स वगैरह, क्योंकि मुझे वीडियोज़ भी बनाने हैं वहाँ जाके, तो थोड़े वेराइटी लेके जा रहा हूँ, और बस 3 जीन्स है, एक जो पहन के जाऊँगा, ये 2, ये लैपी, ये नीचे एकदम जींस रखूँगा और उसमें बीच में और लैप रखूँगा, ये सैनिटाइज़र का फुसफुस, और ये सारी चीज़ें, ये हमारे बच्चू महाराज का कपड़ा जो लिया है, ये हेडफोन्स वगैरह, हेडफोन का शॉट है, पता नहीं हेडफोन वहाँ तक टिकेगा नहीं टिकेगा, कोशिश करूँगा, और ये मास्क 2 पैकेट। तो अभी करते हैं सारी पैकिंग फटाफट। छोटी बच्ची खुशी वो अभी से रो रही है क्योंकि मैं सुबह जाने वाला हूँ गाँव, ये तो अभी से रो रही है खुशी, ये खुशी नीचे भी रो रही थी, क्या झाली क्या झाली, अरे 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 नीचे भी ऐसी रो रही थी, क्या झालो क्या झालो कर क्या झाली किन्ना पुले के आएगा ना चाचू काय, अरे मैं कपड़े घेऊन चालली, मैं कपड़ा लेके जा रहा हूँ इसलिए रो रही है, इसको लग रहा है मैं कभी आऊँगा ही नहीं वापस, कपड़े चाचू का घेऊन चालली, चाचू इथून घाण कपड़े घालून जाणार मग तिथे कोरोना फैलणार ना, है ना चाचू इधर से गंदे कपड़ा पहन के उधर कोरोना होगा, सोचो चाचू जाएगा नहाएगा नया कपड़ा पहनेगा फिर कृष्ण को लेके आएगा, है ना मैं छोड़ू ना रड़त स्ट्रॉन्ग है ना, मजी खुशी बॉडी 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 मजी खुशी चल माझी मदद कर, चलो चलो चाचू की मदद करो, रो मत। तो बस दोस्तों इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ तो करके जाना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, कुछ भी गुड बैड, बस बाय बाय टेक केयर, एक बात हमेशा याद रखनी है लाइफ में चाहे जो भी हो जाए टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, बाय बाय टेक केयर।